जयपुरा क्षेत्र के मदरसे की शिक्षिकाओं की स्थायी नियुक्ति न होने और उनके साथ छेड़खानी का विवाद दिनों दिन तूल पकड़ता ही जा रहा है। एक और मदरसा प्रबंधक अपनी जिद पर और दूसरी शिक्षिकाएं भी अपनी जिद पर कायम हैं। उन्होंने जयपुरा थाने में प्रबंधक के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अब यह मामला बुधवार को मैदागंज स्थित प्राणकर भवन के प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंच गया, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षिकाओं और प्रबंधक व उनके समर्थकों में जूतम पैजार हो गया। बुधवार को मदरसा प्रबंधक रिजवान अपने समर्थकों संग प्राणकर स्थिति भवन के प्रेस कॉन्फ्रेंस कक्ष में मीडिया के सामने अपनी सफाई देने पहुंचे थे। वह सफाई दे ही रहे थे तब तक पीड़ित शिक्षिकाएं वहां पहुंच गई, प्रबंधक पर आरोप लगाने लगी, इससे हंगामा हो गया। तभी प्रबंधक पक्ष के एक व्यक्ति ने एक शिक्षिका पर हाथ चला दिया, इसके बाद शिक्षिकाएं आपस में बाहर हो गई। तब एक शिक्षिका ने चप्पल निकालकर मारने की चेतावनी दी, प्रबंधक पर उनके सामने ही गंभीर आरोप लगाए। हंगामा देर तक चलता रहा और इस दौरान वहां मौजूद मीडियाकर्मी बीच बचाव की मुद्रा में थे। सुने 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 कुछ नहीं होना चाहिए।